नेक्स्ट नंबर है सेम टाइप, फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, फर्स्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे पहले तो 2x माइनस 5 फोर जा 20 होल अपॉन 5 और इधर आएगा 3x प्लस 4 7 सा 28 होल अपॉन 4 और इधर क्या आया 4 बाय 5, जो सबसे नीचे है वो ऊपर और ये इधर मल्टीप्लाई, तो 4 2x माइनस 20 ब्रैकेट में 5 नीचे 5 3x प्लस 28 इक्वल्स टू 4 बाय 5। अब देखो बेटा 4 बाय 5 इधर 4 बाय 5 इधर, ये 4 मल्टीप्लाई में है और 5 भी क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे हम, जो इधर डिवाइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा और जो द न्यूमरेटर ऊपर है वो इधर आके नीचे आएगा, तो जब ऐसा होगा तो ये कट जाएगा, सो ये आ जाएगा 2x माइनस 20 अपॉन 3x प्लस 28 इक्वल्स टू 1। Therefore, 2x minus 20 equals to, this will go this side, 3x plus 28. अब सॉल्व हो जाएगा, राइट? माइनस 20 को उधर ले लेते हैं, 3x को इधर ले लो, 2x minus 3x minus 20 that side plus 20, so minus x equals to 48. Therefore, x equals to minus 48. क्लियर? ऐसे बड़ा फ्रैक्शंस में अगर आए तो ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। ओके, नेक्स्ट सम इज 0.3 प्लस 0.7x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.85x। डेसिमल्स है, कोई टेंशन नहीं, बट सम सिंपल एकदम। 0.3 0.7x इक्वल्स टू, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 2 इंटू 0.85 कैसे मल्टीप्लाई होता है, 85 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 5 टू जा 10, 8 टू जा 16 प्लस 1 17, तो ये आ गया 85 टू सा। अब हमें डेसिमल लगाना है, अब देखो 2 के आसपास तो कोई डेसिमल नहीं है, यहां पे है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, 1 एंड 2, तो पीछे से 2 डिजिट 1.70 हो गया, सो ये कैसे सॉल्व हुआ, 0.3 0.7x इक्वल्स टू 1.70 लिखने की जरूरत नहीं है x। अब बेटा यू विल आस्क मी इसे अपॉन 10 अपॉन 100, तो नहीं वो नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स है ना और नीचे डिवाइड में भी 2 है, सो बहुत सारे नंबर्स है, डोंट डू दैट, ये सिंपली हो जाएगा, 3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। अब देखो 0.3 को इधर रखते 1.7x और ये वाला भी x का टर्म इधर, सो दिस इज 0.3 इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.7, क्या आंसर आ गया 1, सो x की वैल्यू क्या आ गई 0.3 अपॉन 1 दैट इज 0.3, था ना एकदम सिंपल, 1 2 3 4 स्टेप्स में आंसर आ गया, 4 5 स्टेप्स में। अपॉन 10 अपॉन 100 करोगे तो बेटा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, सो डोंट डू दैट, ओके, सो इट इज सिंपल, खाली इधर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0.85 होता है 1.7, साथ में x, फिर x x को साथ में लिख देना है, सो दैट इज योर आंसर, x इक्वल्स टू 0.3। नेक्स्ट हम मेरा 1 अपॉन
9x माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 6x माइनस 2x माइनस 1। अभी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, बट बिफोर दैट हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं अगर कुछ होता है तो। सो 9x माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू, प्लस 1 क्यों हुआ, माइनस था ना इसलिए अंदर की साइन चेंज, 7 अपॉन 6x माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब 1 अपॉन 9 माइनस 5 कितना होता है, 9 में से 5 4x प्लस 1, 6 माइनस 2 4x प्लस 1। अरे द क्वेश्चन में एरर है, 2x प्लस 1 है। सो दिस इज 2x प्लस 1, सो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 1। देखो ये ना बेटा गलत हो जाता, 4x प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाते, x बचता ही नहीं, ये इधर माइनस 1 होगा। ओके, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ 4x माइनस 1, इसको करेंगे 7 के साथ 4x प्लस 1। सो दिस विल बिकम 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 7, 4 जा 28x, 7 वन जा 7। अब बदल लेते 4x माइनस 28x, 7 24 माइनस, एक मिनट, ठीक है। सो अब लिखेंगे बेटा 4x माइनस 28x 7 प्लस 1, सो दिस इज माइनस 20, 28 माइनस 24x इक्वल्स टू 8, सो x इक्वल्स टू 8 अपॉन माइनस में 24, 8 3 जा 8, 1 जा 8 3 जा माइनस 1 अपॉन 3 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट समर, ये मैंने एग्जाम में पूछा था और मुझे किसी ने डाउट पूछा है, इट्स अ टेक्स्ट बुक सम। एक बार ना मेरे सारे टेक्स्ट बुक के वीडियोस देख लिया करो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी आई विल बी एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग जो मैंने वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है। सो एक बार डाउट है तो वीडियोस देखो। यहाँ पे एलसीएम, ये 1 इधर भी 1 है, पूरा एलसीएम ले लेंगे, 1 2 1 एंड 3 मतलब 6 होगा एलसीएम, एलसीएम विल बी 6। सो अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 6। 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 जा, सो इधर m माइनस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। इधर है 1, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 अगेन, 6 लाने के लिए, और 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2, तो ऊपर m माइनस 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई। अब इधर 6m अपॉन 6, 3m माइनस 3 अपॉन 6, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 अपॉन 6, 2 से मल्टीप्लाई, 2m माइनस 2, 2 सा 4 अपॉन 6। सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 6, तो डिनोमिनेटर पूरा निकल जाएगा, सिर्फ ऊपर के क्वेश्चंस बचेंगे। 6m, अब बड़ा पूरा एलसीएम ले ले, देखो इधर ऐसे ले लेते हैं, 6m माइनस यहाँ पे 3m, अब तुम्हें ये प्लस कर देना है क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है, यहाँ पे भी होल 6, तो 6 माइनस 2m प्लस 4 हो जाएगा। जब हम पूरा एलसीएम ले लेते हैं ना तो ये माइनस और यहाँ पे इफेक्ट करती है साइन, तो फुल एलसीएम ले लिया, 6 6 कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब ऊपर क्या बचा, 6 माइनस 3 दैट इज 3m प्लस 3, और यहां पे बचा 6 प्लस 4 10 माइनस 2m, माइनस 2m इधर चला जाएगा, प्लस 3 इधर, सो दिस इज 3 प्लस 2 5, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, सो m की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 5। क्लियर, ओके, आई होप
सारे डाउट्स बाकी के क्लियर हो गए। अब इसकी बेटा मैं वर्कशीट भेजूंगी, वो सॉल्व करनी है।